अब 5 महीने से क्रीम लगा रही हूँ, इवन मार्च से क्रीम लगा रही हूँ मैं, अगस्त चल रहा है। वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है पिंकी दी की स्किन जीने क्रीम के। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी जिनको डार्कनेस की प्रॉब्लम है, पिंपल्स हैं, मेलाज्मा है, तो स्किन जीनी एक बार आप यूज़ करके देखें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है स्किन जीनी क्रीम का, कोई मुकाबला ही नहीं है। मार्केट में कोई ऐसी क्रीम ही नहीं आई अभी तक जो इतनी जल्दी रिजल्ट देती हो इस प्राइस में। तो पिंकी दी की क्रीम एकदम बेस्ट है, एकदम बेस्ट। Hi guys, welcome to my channel. This is Priyashree Rao and welcome to Pink Forest Villa. बहुत टाइम के बाद मैंने सोचा है कि मैं अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल पाए प्रोडक्ट के बारे में। बहुत सारे न्यू व्यूअर्स जुड़ते हैं और जब वो मैसेजेस करते हैं तो उनको पूरी डिटेल नहीं मिल पाती है। स्किन जीनी लगातार लोग 2 साल से यूज़ करें, इस सेप्टेम्बर में इसको 2 साल हो जाएंगे मेरे बर्थडे के आसपास। मैंने अपने बर्थडे पर लॉन्च किया था ये ब्रांड एंड इट्स बिन 2 ईयर्स गाइज। और ये जितनी जल्दी से क्रैक कर गया मार्केट को और मार्केट कैप्चर्ड किया इसने, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ हो पाएगा। तो हम लोगों ने तब से लेकर अब तक काफ़ी सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं एंड रिसेंटली ऑलरेडी मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली और एक नई डे क्रीम लॉन्च करने वाली हूँ। तो इन दोनों के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगी। बट ये जो 5 वीडियोज़ है ये टोटली डेडिकेटेड होगी स्किन जीनी क्रीम और स्किन जीनी के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात करूंगी वो आप सबकी फेवरेट नाइट, सबको पता है स्किन जीनी नाइट क्रीम के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आता है, आप देख सकते हो। इस क्रीम को जो है आप नाइट टाइम में लगाते हो, इसकी एक थिक लेयर लगानी होती है, क्रीम कुछ इस तरीके के अंदर दिखती है। ये क्रीम रेकलेस क्रीम है, खास करके उन लोगों के लिए। मैं ये तो नहीं, आप देख सकते कुछ इस तरीके की एक मास्क के जैसे क्रीम आती है, ये जो क्रीम है ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है जिनको मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, और सालों साल बहुत सारे इलाज नुस्खे करने के बाद भी अगर उनके हाइपर पिगमेंटेशन नहीं गए हैं, खास करके एशियन महिलाएं जो हमारी इंडियन महिलाएं होती हैं, उनको आफ्टर 25-26 ये प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं इसको, डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हम लोग हमारे इंडिया के बीच में से ही जो है वो मध्य रेखा के ऊपर से गुजरती है, तो धूप का जो प्रकोप है यहाँ सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। और धूप से ही ये पिगमेंटेशन होती है। आयरन का एक्सेसिवनेस भी इस चीज़ को कहीं हद तक मदद कर देता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी जो है इस चीज़ को बढ़ा देता है, जो कि PCOS और PCOD महिलाओं के साथ या मेनोपॉज किसी महिलाओं को जल्दी हो गया है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, या प्रेगनेंसी के अंदर जब आप आयरन की बहुत सारी टैबलेट्स खा रहे होते हो तब जाके ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, और इनको हटाना ना के बराबर है एक तरीके से, ये बार बार वापस आ जाता है। दैट्स वाई स्किन जीनी मैंने मेनली पिगमेंटेशन के लिए इसको जो है बनाया था, और पिगमेंटेशन में मेरे ढेर सारे रिव्यूज आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, हेयर एंड देयर में डालूंगी भी। और पर्टिकुलरली मेरे स्किन के ऊपर जब ये काम करना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाकी लोगों के लिए भी ये चीज लेके आ पाऊं। तो ये जो है मेरे स्किन के बहुत छोटे छोटे गड्ढे भी थे मेरे स्किन के ऊपर, उनको भी इन्होंने काफी हद तक भरा था। मैं बहुत ही ज्यादा पिंपल ग्रसित महिला रही हूं अपने टाइम में, और मेरा जो स्किन है वो भी बहुत ही ज्यादा डल रहा है हमेशा से। मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 10th लेकर के मेरे कॉलेज तक मुझे बड़ा ही जो है अजीब सा फील होता था लड़कों के सामने भी, और मैं बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी क्योंकि मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे और बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते थे। मेरी स्किन का कलर हमेशा डल रहता था, हाथ पैरों का तो रहता ही था कैसे भी करके, और मतलब मुझे कई बार लोग टोक भी देते थे, इवन मेरी मदर को भी टोक देते थे। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मैंने अपने स्किन केयर जर्नी स्टार्ट करी एंड स्किन जीनी जिससे जब मैं मिली तब मेरी स्किन ज़्यादा अच्छी हो गई, बहुत ही अच्छी हो गई। उसके बाद मैंने ये ओपन मार्केट में लेके आया कि आप लोगों को भी अपनी स्किन अच्छी करनी, क्योंकि मुझे पता है स्किन से ही कॉन्फिडेंस काफ़ी सारे लोगों को आता है। अगर आपके स्किन पर दाग धब्बे हैं, मेलाज्मा है, हाइपरपिगमेंटेशन है, या फिर मुहासे के निशान है, छोटे गड्ढे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं बड़े गड्ढों की बात नहीं कर रही, वो तो लेज़र से भी नहीं जाता है, वो तो बहुत टाइम ले लेगा आपका ठीक होने में। आई थिंक सब लोगों को तो उम्र भर के लिए भी रहता है, बट स्मॉल गड्ढे जैसे हो जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए बहुत काफ़ी हद तक ये मदद करती है क्रीम, और ये बहुत ईजिली अवेलेबल है। इस तरीके की क्रीम आपको मार्केट के अंदर 4-4 हज़ार रुपये में मिलती है, बट ये ओनली 899 में आप व्हाट्सएप से ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको Amazon Flipkart से परचेज करना है
तो आप जो है 999 के अंदर इसको परचेज कर सकते हो। डिस्काउंट चलते रहते तो वहाँ पे भी आपको इजीली 950, 975 या 990 रुपीज़ में भी मिल जाता है, 919 रुपीज़ में भी मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट उतना ही पड़ता है। दूसरा इस क्रीम, ये क्रीम बहुत जल्दी वायरल हो गई, इसको लगाने का तरीका बहुत ईजिली, रात को लगा लीजिए। एक्स्ट्रा आपको केयर करने की जरूरत, बस सनस्क्रीन होता है और धूप से बचना होता है क्योंकि पिगमेंटेशन धूप से वापस आ जाता है। इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, जिंक ऑक्साइड, विटामिन B3, C, विटामिन ए, क्या कहते हैं, और साथ साथ विटामिन B6, और इसके अंदर वाइटनिंग ऑयल है और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। वाइटनिंग ऑयल लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा था, एक महिला ने वीडियो बना दी कि मेरे को वाइटनिंग ऑयल ज़्यादा ऐसा सस्पिशियस लग रहा है। ऑल दो वाइटनिंग ऑयल इज़ नथिंग टू बी सस्पिशियस, जोजोबा ऑयल और उसके साथ साथ रोजिप ऑयल का मिक्सचरण रहता है। एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट लिखते हैं तो कर्टन्स की जगह नहीं रहती है, ठीक है, और उन दोनों का कॉन्कॉक्शन मिलके वाइटनिंग ऑयल जो है बनता है, तो वो इसके अंदर, और सीवीड एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, ठीक है, और बेरीज का एक्सट्रैक्ट है जो कि वाइटनिंग के लिए काम आता है। अदर देन दैट इसके अंदर कोई ऐसा कोई सरसों का तेल नहीं डाला गया है। इंग्रेडिएंट सारे अच्छे हैं इसके, आपको 6 मंथ एटलीस्ट इसको यूज़ करना है एंड उसके बाद आप चाहे तो उसको छोड़ सकते हो। ऑब्वियसली आपको स्किन के टेक केयर अपने स्किन का करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका मिलाजमा वापस आ जाएगा। अगर आपको ऑल्टरनेट डे लगाना है, वीक में 2-3 बार लगाना है, तो उसके लिए भी आप इसको रेगुलरली रख सकते हो। जिनको स्किन अपना हल्का करना है उनके लिए रेगुलर यूज़ करने की चीज़ है, तो उनको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। रेडनेस अगर किसी को ऑक्योर होती है तो उसके लिए भी आप इमोलिन मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, सेरावे का मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक शतघ्रता आती है, मैं बताती हूँ आपको, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है वो जो जिसका मैं भी यूज़ करती हूँ, तो मैं वो आपको बताऊँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में जब हम उसका पूरा डिटेल जानेंगे, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और आप 2-4 दिन के लिए क्रीम छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा लगा के स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मिलाजमा जिनको होती है उनका ये जो हिस्सा होता है वो रेडनेस ज़्यादा अकर कर लेता है, या आंखों के आसपास रेडनेस आपको देखने को मिल सकती है। तो क्रीम बहुत अच्छी है, लगातार ढेरों रिव्यूज़ आपके इस क्रीम के मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल के ऊपर, वॉइस नोट्स लोगों के, मैंने बहुत सारे स्क्रीन शॉट्स शेयर किए हैं जिन्होंने ये यूज़ किया है। और जो लोग क्रीम अपने हाथ में लेके वीडियो नहीं बनाते उन पे आप बिल्कुल भी विश्वास मत किया करो। पहली चीज़ तो ये है कि जब उन्होंने यूज़ ही नहीं कही की चीज़, क्या उनको क्या रिएक्शन, क्या रिया कुछ पता ही नहीं चला, तो वो कैसे किसी के बारे में वीडियो बना सकते हैं, मेरे को तो वो बात समझ में नहीं आती है। एनीवेज यूट्यूब पे कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको ध्यान ना देते हुए आप अपने मेलाज़मा हाइपरपिगमेंटेशन को प्लीज़ ठीक कीजिए, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं इस वजह से, लेकिन ये क्रीम आपके लिए मिरेकुलस साबित हो सकती है। तो ये डिटेल्स मुझे डेफिनेटली देनी थी, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है ताकि अच्छे रिजल्ट आए। बाय बाय।